हाय अब्रुहान, आप लोगों की फेवरेट डिश लेके आ जाइए, वो भी नए तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं बता भी नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमें लेकर है नया नहीं कि पुराना चीज़ है, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से आज हम बनाएंगे, वो है चिकन। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको पहले ट्राई करके सबको टेस्ट करवाया, सबका ओपिनियन लेके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है खाने में, मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नए नए रेसिपी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का फेवरेट चिकन डिश लाई हूँ, वो चिकन कबाब। अच्छा टेस्टी कबाब कहीं नहीं खाए होंगे, मैं पहले बता रही हूँ। आप उसके शक्ल पे मत जाइए, फूड कलर यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, उसके शक्ल पे मत जाइए, उसके टेस्ट पे भी जाइए। उनका फेवरेट कबाब हमने लेके आए, ये नए तरीके से आज आपके पास कबाब पाउडर होगा तो आप बना सकते हैं। कबाब पाउडर नहीं है तो हमारे पास होम सॉल्यूशन है, होम रेमेडी कब काम आएगा, आज काम करेंगे होम रेमेडी से। सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे हिसाब से बनाइए और ज़रूर टेस्ट कीजिए, ठीक है, बहुत पसंद आएगा। ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, दुकान से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, आप इतना अच्छा टेस्ट कहीं नहीं खाए होंगे, एक लाइक तो बनता है। हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिए हैं, 2 टेबलस्पून नमक लिए हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिए हैं। ये रहा हमारा 1/2 कप बेसन लिए हैं, 1/4 कॉर्नफ्लोर लिए हैं, 1 अंडा लिए हैं, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिए हैं, जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट। ये रहा हमारा चिकन। अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट ले रहे हैं। अब 2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर सबको डालेंगे। हमने यहाँ पर 1/2 kg चिकन लिए है, इसलिए हमने 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाले हैं। हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर चुके हैं। अब इसमें कबाब के लिए हमें पाउडर डालना है। हमने 1/2 कप बेसन लिए थे, अब इसमें बेसन डालेंगे। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर 8 टेबलस्पून बेसन डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ अंडे डालेंगे। देखिए अंडा डाल दिए, इसको थोड़ा देर तक मिक्स करेंगे, हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने यहाँ पर बेसन के बाद अंडा डाल रहे हैं ताकि उसका कवर रहे। ये दोस्तों हमने यहाँ अंडा डाले थे, अंडा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने 1/4 कॉर्नफ्लोर लिए थे, सब कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देन अब हम मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। देखिए हमारा मैरिनेट अच्छी तरह से हो गया है। अब इसको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख लेंगे। अब चिकन को निकाल लेते हैं फ्रिज से। देखिए हमारा मैरिनेट अच्छी तरह से हो चुका है, पानी भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अब इसको मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब फ्राई करते हैं। याद रखिए मैरिनेट चिकन को फ्रिज से निकालने के बाद 1/2 आवर बाहर रखिए, उसके बाद फ्राई कीजिए, नहीं तो फ्राई करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आप ये ट्राई कीजिए और टेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्मूथ भी है और टेस्टी भी। देखिए दोस्तों हमारे चिकन कबाब और चिकन पकौड़ा, आप जो बोल सकते हैं, सब बन गया है। और आप टेस्ट कीजिए और हमें बताइए कैसा लगा। देखिए हमारा बिल्ली तो आ गया। बनाइए और टेस्ट कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, नया नया रेसिपी जानने के लिए एक लाइक तो बनता है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।